आरसीबी हार की हैट्रिक लगा चुकी है, विराट कोहली का शतक आया फिर भी ये टीम हार गई है। एक खिलाड़ी जो हर मैच में रन बना चुका है, एक खिलाड़ी जिसने अकेले 300 से ज्यादा रन बनाए, बाकी के टॉप 5 में से 250 से ज्यादा रन बस बना पाई है वो टीम। एक खिलाड़ी का औसत 100 पर है, बाकी 4 खिलाड़ियों का औसत 15 का है। तो यहां पर आरसीबी लगातार मुकाबले हार रही है। आज आरसीबी कहां मुकाबला हारी वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले टॉस तो जीते नहीं, तो पहले बल्लेबाजी करने आए, शतकीय साझेदारी हुई तो लगा कि 200 प्लस बनेगा, और 200 प्लस बनना चाहिए क्योंकि जैसी बैटिंग लाइनअप है लग रहा था कि 220-230 हर मैच में बनाएंगे, पर 190 भी नहीं बन रहे। तो जब बल्लेबाजी करने आए, विराट कोहली का शतक जरूर आया, आप उनको कह सकते हैं कि स्लो खेले, लेकिन आप अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो देखेंगे कि प्लेसेस को 2 जीवनदान मिले, वो भी बहुत स्लो खेले। उसके बाद मैक्सवेल चना फोड़ सकते थे लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, आउट होकर चले गए। कैमरन ग्रीन 100 की स्ट्राइक रेट से कम से खेले, सौरभ खेलने आए वो भी बहुत कम की स्ट्राइक रेट से खेले। तो इसकी वजह से जो ज्यादा दबाव था वो विराट कोहली पर था, और कोहली के बल्ले से रन उतनी तेजी से नहीं निकले जो निकलने चाहिए थे। वहां पर आप दूसरी तरफ देखेंगे संजू सैमसन भी रन बना रहे थे, रन जॉस बटलर भी बना रहे थे, बटलर का शतक भी आया, संजू सैमसन का अर्ध शतक आया। तो ये 2 खिलाड़ी जो ताबड़तोड़ खेल रहे थे, वहां पर सिर्फ विराट कोहली ताबड़ तोड़ खेल रहे थे। और मोहम्मद कैफ ने लाइव में कहा कि एक खिलाड़ी क्या कर सकता है, जब इसको टीम निकम्मी मिल जाए तो ये खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता है। विराट कोहली को संबोधित किया कि विराट कोहली की टीम निकम्मी है पर अकेला खिलाड़ी क्या कर सकता है। तो इसके साथ साथ दोबारा क्या गलती हुई, जब गेंदबाजी करने आए तो पहली बात राइट एरियाज में गेंदबाजी नहीं हुई, पहले ओवर में सफलता मिल गई थी लेकिन बहुत सारी लूज डिलीवरीज, उसके बीच बीच बहुत सारे कैच और बहुत मिसफील्डिंग, रनआउट छूटा जॉस बटलर का, कैच छूटा जॉस बटलर का, हालांकि टफ कैच था, विराट कोहली के हाथों संजू सैमसन का आसान कैच छूटा क्योंकि कोहली वो सारे कैचेस पकड़ सकते हैं। कोहली और ग्रीन के बीच तालमेल में कमी थी, वहां पर एक रनआउट छूटा जॉस बटलर का। तो इतनी सारी मिसफील्ड, इतने सारे कैचेस और मैच में लगातार सिर्फ एक खिलाड़ी का परफॉर्म करना आरसीबी का डाउनफॉल बता रहा, और गेंदबाजी बहुत कमजोर है ऑन पेपर, ऑन फील्ड एंड एवरीवेयर। आरसीबी फैंस लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि आरसीबी कुछ अच्छा करेगी पर ऐसा कर नहीं पा रही है। 5 में से 1 मुकाबला जीते हैं और उम्मीद है कि अब अगला मुकाबला हो सकता है जीते और अपनी टीम को कुछ तो खुशी का मौका दें, क्योंकि विराट कोहली बहुत मायूस नजर आ रहे थे मैच हार के, आप तस्वीरों में ये चीज देख सकते हैं। तो आप हमें कॉमेंट करके बताइए कि आरसीबी में आखिर गलती कहां पर हो रही है, और तब तक के लिए देखते रहिए पन इंडिया हिंदी।